कुठल्याही आजाराच्या संसर्गामध्ये चव आणि वास घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो। त्याचप्रमाणे कोरोनाची लागण झाल्यानंतरही अनेक रुग्णांमध्ये तोंडाची चव जाणं आणि वास घेता न येणं अशी समस्या दिसून आली। परंतु आता कोरोना मुक्तीनंतरही अनेक दिवस ही समस्या रुग्णांमध्ये पाहायला मिळते, कारण कोरोनातून बरे होऊन तब्बल 10 महिने तोंडाची चव आणि वास घेता न येणाऱ्या एका 18 वर्षीय तरुणीवर यशस्वी उपचार करण्यात मीरारोड येथील वॉकहार्ट रुग्णालयातील डॉक्टरांना यश आलं आहे। या रुग्णालयातील डॉक्टर चंद्रवीर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य डॉक्टरांच्या टीमने हे यशस्वी उपचार केलेत। साधारणतः पोस्ट कोविड रुग्णांमध्ये न्यूमोनिया, मेंदूची जळजळ, थकवा, म्युकोमायक्रोसिस, फुफ्फुसातील फायब्रोसिस आणि श्वसनाशी संबंधित विकार दिसून येतात। अमनजोत कौर ही तरुणी मीरारोड येथील राहणारी आहे। काही महिन्यांपूर्वी तिला ताप आल्याने तोंडाची चव आणि वास तिला येत नव्हता। कुटुंबियांनी तिला रुग्णालयामध्ये दाखल केलं। वैद्यकीय चाचणीमध्ये तिला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं निदान झालं। या तरुणीवर घरीच उपचार करण्यात आले। 20 दिवसांनंतर ती ठणठणीत बरी झाली, परंतु तरीही तोंडाची चव आणि वास येत नव्हता। तब्बल 10 महिने हा त्रास तिला जाणवत होता। त्यानंतर कुटुंबियांनी तिला मीरारोड येथील वॉकहार्ट रुग्णालयामध्ये दाखल केलं। या ठिकाणी डॉक्टरांनी तपासणी आणि विविध चाचण्या केल्यानंतर उपचार केले आणि त्यानंतर तिच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा झाली। मीरारोड येथील वॉकहार्ट रुग्णालयातील कन्सल्टंट डॉक्टर चंद्रवीर सिंग म्हणाले की कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतरही काही रुग्णांमध्ये अन्य आजारांची लक्षणं दिसून येत आहेत। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रवीर सिंह हूँ। मैं वॉकहार्ट हॉस्पिटल मीरारोड में नाक कान गले का स्पेशलिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं हेड एंड कैंसर सर्जन भी हूँ। आज कोविड-19 की सेकेंड वेव आई हुई है और जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव है उसके भी बहुत सारे पेशेंट्स में जो सिम्टम्स थे जो पूर्णतः क्योर नहीं हुए, ऐसे ही सिम्टम्स में लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होता है। ऐसे जो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है ये बेसिकली ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होता है और ऐसे मरीजों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेरी और कभी कभी परमानेंट लॉस भी हो जाता है। जो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है ज़्यादातर मरीज में 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने और 6 महीने के बाद भी आराम नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मरीज हमने देखे जो 8 महीने तक और कभी कभी 10 महीने तक भी बिना स्वाद और बिना स्मेल के जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे मरीजों की लाइफ बहुत ही डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो स्मेल नहीं कर पाते गैस को और इसकी वजह से उनकी लाइफ के लिए रिस्क हो जाता है। वो लोग खाने का स्वाद नहीं ले पाते। वो लोग जो फूलों की खुशबू है, जो नॉर्मल फ्लेवर्स हैं, बॉडी ऑर्डर्स हैं, उनको नहीं स्मेल कर पाते। ऐसे ही जो मरीज हैं, ऐसे मरीजों पे हमने काफ़ी काम किया अपने हॉस्पिटल में और ऐसे 4-5 पेशेंट को हमने कम्प्लीटली क्योर किया। हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद कुछ ऐसी मेडिसिन हमने प्रेस्क्राइब की जिसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट आए वो ठीक हो गए। इसी तरह की एक हमारी पेशेंट थी, उसका नाम था अमनजीत कौर, जो 23 ईयर ओल्ड फीमेल थी और बेसिकली पंजाब से थी। उनको 2019 में कोविड हुआ और उनके जो सारे सिम्टम्स थे जैसे फीवर, सर दर्द और सांस लेने में तकलीफ सब तो ठीक हो गए, लेकिन उनका स्वाद और गंध जो था ये लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट उनका बरकरार रहा। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ PGI में और फिर उसके बाद दिल्ली में दिखाया। क्योंकि उनका घर मीरारोड में भी है तो वो फिर हमारे यहाँ भी दिखाने के लिए आए। हमने अपनी उस प्रिस्क्रिप्शन को अमनजीत को भी दिया और उसके बाद आफ्टर 21 डेज और 22 डेज वो अपने जो नॉर्मल स्मेल है जैसे कि फूलों की खुशबू, डियोडोरेंट, बॉडी स्मेल और ओनियन, गार्लिक एंड फूड स्मेल एंड गैस की स्मेल, सारी के सारी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल क्योर हो गई। इसके साथ साथ आज वो जो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है और सारे स्वाद के लिए भी वो बिल्कुल क्योर हो गई है। तो मेरा कहना है कि जो पेशेंट हैं जिनको 10 महीने से भी मतलब स्वाद और लॉस ऑफ स्मेल है, तो ऐसे पेशेंट भी क्योर हो सकते हैं। उनको हम कुछ मेडिसिन हैं जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, नेजल स्प्रेज हैं, विटामिन हैं, उनके अगर हम एक निश्चित मतलब कि अवधि में हम उनको ठीक कर सकते हैं, दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन।